पानी के अंदर ने ऐसा दिख रहा है जैसे HD वीडियो देख रहा हूँ भाई। ये भाई यहाँ पर एंट्रेंस गेट, ये यहाँ पर कुछ इस टाइप से ब्रिज वगैरह बना रखा है। यहाँ पर पीछे देख लो भाई, कुछ इस टाइप के रास्ते से हम यहाँ पर होते हुए आ रहे हैं अभी। तो चलिए जी, निकल गए हम यहाँ पर घंटागढ़ से, और अब मैं आप लोगों को आगे के यहाँ पर रास्ते वगैरह चेक कराता रहूंगा। आप मेरे पीछे पे यहाँ पर देख रहे होंगे, ये था यहाँ पर घंटागढ़। यहाँ से अपना पहले हमने भाई यहाँ पर महाराणा प्रताप वाली रोड पे जाना है। भाई यहाँ पर हम पहुंच गए आप लोगों का रायपुर वाली रोड पे, ये आप लोग मेरे पीछे पे देख रहे होंगे। जब आप लोग भी ना इस साइड का होगे तो आप लोगों को इसी वाले रास्ते से यहाँ पर होकर के आना पड़ेगा। महाराणा प्रताप चौक के सामने पहुंच गए, ये आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये यहाँ पर महाराणा प्रताप चौक। यहाँ से ना वैसे माल देवता वगैरह जाने का भी रास्ता है, आप लोगों को मैं यहाँ पर चेक करा दूं। तो इस साइड से अगर आप लोग जाओगे ना, यहाँ पर आप लोग ये वाली रोड देख रहे होंगे, यहाँ से आप लोग सुरकंडा देवी हो गया, माल देवता, और मतलब यहाँ से टीरी वाला रास्ता ही खुल जाता है। तो यहाँ से भाई आप नीचे को जाओगे तो यहाँ से भाई सीला की चौकी, हम इसी वाले रास्ते से यहाँ पर जाने वाले हैं। जिनको ना यहाँ पर लोकेशन वगैरह में थोड़ी दिक्कत लग रही है, उनके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पिन करी के लोकेशन, वो वहाँ पर से भी चेक करके और इस जगह पे यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और जगह का नाम मैंने आप लोगों को बताई दिया, यहाँ पर सीला की चौकी, तो थोड़ा अनोखा नाम है। मैं भी यहाँ पर ना फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो देखते हैं भाई उधर पे जाके कैसा हमारा यहाँ पर एक्सपीरियंस रहता है। यही वाला रास्ता ना यहाँ पर महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज का भी यही वाला रास्ता है, तो इसी रास्ते से बस आप लोगों को सीधा आगे आगे को जाता रहना पड़ेगा। ये भाई यहाँ पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये यहाँ से एंट्री अंदर की। तो यहीं से बस हम लोगों ने इस वाली रोड से सीधा आगे को जाना है। हम यहाँ पर ना पुलिया के ऊपर आ गए, पीछे का आप लोग चेक कर रहे होंगे भाई कितना सही लग रहा है ना यहाँ से। और इसी रास्ते से हमने अभी भाई यहाँ से सीधा आगे को निकलना है। तो इस साइड आकर के ना काफी बढ़िया लग रहा है, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और भाई आसपास में ना कितना सही लग रहा है भाई साहब, एक नंबर व्यू है भाई यहाँ से, तो मजा आ रहा है भाई यहाँ पर पहुंच करके। और अभी चलते हैं यहाँ से आगे, फिर मैं आप लोगों को उस लोकेशन को यहाँ पर चेक कराऊंगा। और आप में से तो हो सकता है, क्या पता कुछ लोग यहाँ पर आ भी रखे हों, तो जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना, उनके लिए मैं इस जगह को यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। उनके लिए मैंने यहाँ पर रास्ते वगैरह भी चेक करा दे रहा हूँ कि आप लोग कहाँ से आ सकते हो। बाकी भाई इधर आसपास से आप लोग देख लो, इधर से हमने आना है, मतलब यहाँ से आप नीचे को मत जाना, जितने भी ये फ्लाईओवर वगैरह आएंगे ना इनसे ऊपर ऊपर ही पे आप लोगों ने आता रहना है। और यहाँ से भाई अभी हमने सीधा आगे को निकलना है, फिर मैं आप लोगों को आगे पे चल करके दिखाता हूँ कि किस टाइप से रहने वाला है। बाकी भाई यहाँ पर पहुंच करके तो काफी बढ़िया लग रहा है हमको, आप इसको एक देहरादून का पिकनिक स्पॉट भी यहाँ पर बोल सकते हो, या फिर वाटरफॉल बोल लो, वाटरफॉल तो नहीं है वहाँ पर, मतलब एक वाटर स्पॉट है एक छोटा सा। तो ये आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे थानों का मेन चौराहा है, यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, यहाँ से मतलब आगे भोगपुर का रास्ता भी शुरू हो रहा है। यहाँ से भाई हमने अभी ना सीधा आगे आगे को जाता रहना है, थोड़ा जगह का अंदाजा देने के लिए यहाँ पर रुका हुआ था। तो अब बस यहाँ से हमने अभी सीधा आगे को निकलना है, ना हमने दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, यहाँ से भाई फिलहाल के लिए हमने सीधा आगे आगे को निकलता रहना है। फिर आगे से चल करके मैं आप लोगों ने यहाँ पर रास्ते वगैरह चेक कराता रहूंगा, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे से रास्ते वगैरह दिखाए वहां से आप लोगों को भाई सीधा सीधा आते रहना। और यहाँ से भी हमने फिलहाल के लिए अभी सीधा ही निकलना है, आगे भी जाकर के ना एक ब्रिज वगैरह आएगा, वहां पर से एक छोटा सा रास्ता कटता है, वहां पर से हम जाने वाले हैं। तो भाई फिलहाल यहाँ से निकलते हैं आगे, फिर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये आप रास्ता देख रहे होंगे, ना ही आप लोगों ने इस साइड को मुड़ना है और ना ही इस वाली साइड को मुड़ना है, आप लोगों ने बस यहाँ से सीधा आगे आगे को जाता रहना है, ये जो आप रास्ता देख रहे होंगे। तो जिस लोकेशन में हम यहाँ पर जाने वाले ना, उसका रूट यहाँ पर हमको दिख रहा है, तो मैं आप लोगों का भी यहाँ पर चेक कराता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे पीछे पे, आप लोग ये ब्रिज वगैरह यहाँ पर चेक कर रहे होंगे, तो इस ब्रिज में आप लोगों को यहाँ पर पहले पहुंचना होगा। और यहाँ से भी हमने अंदर के लिए जाना है, यहाँ से एक रोड जाती है अंदर, ऑफ बीट यहाँ पर रास्ता है, लेकर के चलता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ से अंदर। और यहाँ जाने का ना रास्ता यहाँ पर से, वो जहाँ पर आप देख रहे होंगे वो रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है ना, वहाँ पर से भाई रास्ता वगैरह। तो अभी लेकर के चलता हूँ मैं आप लोगों को वहाँ पर, और फिर वहाँ पर से दिखाता हूँ। ब्रिज को हमने यहाँ पर क्रॉस तो कर लिया है, यहाँ से हम आगे आ गए। और लोकेशन ना आप यहाँ पर एक बार देख लो, आप लोग भी इधर पे आओगे ना तो इसी को आप लोगों को यहाँ पर क्रॉस करते हुए आना है। तो ये भूखपुर वाला रास्ता है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को वैसे भी बता दिया, यहाँ से जैसे ही हम इसको यहाँ पर क्रॉस करेंगे यहाँ पर ये रास्ता आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो ये आप लोग यहाँ पर चेक कर रहे होंगे, तो यहाँ से अगर आप लोग सीधा आगे को निकलोगे तो आप लोग यहाँ से वापस ऋषिकेश के लिए खुल जाओगे। तो हम यहाँ से भाई इस वाली साइड के लिए यहाँ पर जाने वाले हैं, यहाँ से हम आ रहे हैं, एक बार मैं आप लोगों को फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से जाएंगे हम सीधा अंदर के लिए, तो भाई ये रहने वाला हमारा रास्ता। और यहाँ से अगर आप लोग सीधा आगे निकलते हो तो ऋषिकेश या फिर जो जॉली ग्रांट के लिए रास्ता जाता है ना, उस साइड को आप निकल जाओगे। तो चलो भाई चलते हैं यहाँ से हम अभी इस वाली साइड को, और फिर मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ भाई आगे जाकर के। यहाँ से मतलब थोड़ा सा ना ऑफ बीट यहाँ पर रास्ता भी शुरू होने वाला है, यानी कि ऑफ रोड रास्ता है। रास्ते से हम अंदर तो आ गए और अब जाने लगे हैं यहाँ से आगे को। फिलहाल के लिए तो रास्ता भी कुछ इस टाइप से जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा, आगे भी जाकर के ना ये रास्ता पूरा यहाँ पर ऑफ रोड वाला होने वाला है। वो अभी देखते हैं हमको यहाँ पर कितने अंदर तक जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी ना इस साइड यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। इधर पे ये पूरी यहाँ पर नदी सूखी हुई है, पहले ये पूरी यहाँ पर ये नदी रही होगी भाई। बाकी आप मेरे पीछे की लोकेशन देख रहे होंगे, इसी रास्ते से हम होते हुए आ रहे हैं, जाते जा रहे हैं अभी यहाँ रास्ते से सीधा आगे आगे जा रहे हैं। देखते हैं भाई अभी कितना दूर तक जाना पड़ेगा। ये देखो भाई साहब कितने सारे लोग जा रहे हैं यहाँ पर इस साइड को, ये आप लोग चेक कर रहे होंगे। ये देखो भाई मतलब ये जगह आप यहाँ पर लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा यहाँ पर फेमस हो रही है, इतने सारे लोग यहाँ पर जा रहे हैं, मतलब फेमस हो रही है देहरादून में ये जगह। तो आप लोग भी यहाँ पर आना चाह रहे हो ना, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर रास्ते वगैरह दिखाई रहा हूँ। गाड़ी का भी रास्ता है, मतलब गाड़ी में भी आप लोग आ सकते हो, एडवेंचर वगैरह करने का शौक है तो आ सकते हो। इधर ऑफ बीट वाली लोकेशन कोई ढूंढ रहे हो तो तभी भी आ सकते हो, मतलब बढ़िया है यहाँ पर। ये देख लो भाई रास्ते के हाल कैसे हो रखे हैं, चेक कर लो। आप लोगों को जगह इसलिए दिखा रहा हूँ ना क्योंकि आप लोग भी आते हो तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर अंदाजा लग जाए कि कहाँ पर से आप लोगों को होता हुआ आना है। अंदर तो हम काफी आ गए होंगे, 3 से 4 किलोमीटर तो आ ही गए होंगे हम, अभी और भी हम अंदर जा ही रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ना सारे गाड़ी वालों ने अपनी गाड़ियां लगा दी हैं। रास्ता वैसे ना यहाँ से तो
तो यहाँ से भाई आप लोगों ने सीधा आगे नहीं जाना, यहाँ से भाई नीचे को चले जाना है। इस वाले रास्ते से हम यहाँ पर होते हुए आ रहे हैं पीछे से, अब जाने लगे हैं यहाँ से अंदर। और अंदर का रास्ता देखो भाई साहब किस टाइप से, तो देख लो भाई पूरा रास्ता इसी टाइप से यहाँ से आ रहे हैं भाई हम अंदर को। तो देखते हैं भाई अभी कितना अंदर यहाँ पर और जाना पड़ेगा हमको। रास्ते की हालत देखो भाई, अब यहाँ से आगे तो नहीं जा पाती ना स्कूटी वगैरह, इसलिए हमने भाई वहीं पर रोक ली। जैसे ऑफ रोडिंग वाली बाइक वगैरह होती है ना, तो उन पे तो एक बार को हम सोच भी सकते थे। तो यहाँ से हम पैदल जाने लगे आगे। बाकी भाई रास्ता वगैरह आप मेरे पीछे यहाँ पर देख ही रहोगे किस टाइप से एक ब्रिज आ गई है, जो मेन वाला ब्रिज है ना यहाँ पर पहुंचने का, उसमें हम पहुंच गए। ये है भाई सीला की जवानी, मतलब सीला की चौकी। तो पहुंच गए भाई हम यहाँ पर सीला की चौकी पे। काफी सारे लोग तो मेरे को वैसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर नीचे पानी पे भी। ये देखो भाई ये भाई यहाँ पर एंट्रेंस गेट, ये देख लो भाई ये यहाँ पर कुछ इस टाइप से ब्रिज वगैरह बना रखा है यहाँ पर, ये आप लोग देख रहे होंगे। अरे भैया भीड़ तो हो रही है यहाँ पर, आ तो रखे हैं वैसे इस साइड यहाँ पर लोग वगैरह। पीछे देख लो भाई कुछ इस टाइप के रास्ते से हम यहाँ पर होते हुए आ रहे हैं अभी। ये देखो भाई यहाँ जाना है हमने। ओहो लोगों ने फिर गंदगी करनी शुरू कर दिया भाई। यार जब तक लोकेशन फेमस होती है ना तब तक लोग गंदा करना शुरू कर देते हैं यार, गंदी होने लग गई यार ये लोकेशन। प्लीज यार इस जगह को साफ करो। पानी तो सही है यहाँ पर वही है यार भयंकर, लोगों को देख के मेरे को अब गुस्सा आ रहा है यार, गंदा कर दिया यहाँ पर पूरा। कितनी बढ़िया लोकेशन थी, यहाँ से हम होते हुए आ रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे ब्रिज को यहाँ पर क्रॉस करते हुए, और इस साइड को हम आगे। तो अब जा रहे हैं यहाँ से अंदर, आगे भी जा करके देखते हैं। यहाँ से जा रहे हैं अभी आगे आगे आगे, ये देख रहे होंगे आप मेरे पीछे रास्ता वगैरह कुछ ऐसा यहाँ पर रास्ता हो रखा है। तो गए हम लोकेशन में, ये आप देख रहे होंगे यहाँ से आ रहा है पानी। भाई लोगों के उल्टा काम यहाँ पर शुरू हो गए, देख रहे होंगे कुरकुरे के पैकेट वगैरह फेंकने लोगों ने यहाँ पर शुरू कर दिया। तो यार थोड़ा सा यार इस जगह को साफ तो रखो यार। बाकी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये था वैसे यहाँ पर। तो भाई अभी चलेंगे हम इस वाले पानी में। तो पहले मैं सोच रहा हूँ ना कि थोड़ा आगे तक यहाँ पर कवर करके आता हूँ आप लोगों के लिए एरिया को। पानी तो वैसे साफ है यहाँ पर काफी ज्यादा, पर ये है कि लोगों ने बस यहाँ पर कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया है। ये देख रहे होंगे आप इस टाइप से भाई यहाँ पर लोकेशन। एक ये भी है भाई, पर ये तो बहुत छोटा है यार, ऊपर देख के आते हैं वरना फिर हमको वहाँ नीचे पे जाना पड़ेगा। चलो जी जा रहे हैं अब यहाँ से नीचे पे। हमने देखा ना वहाँ पर काफी सारे लोग, तो वहाँ पर ना थोड़ी सी गंदगी भी ज्यादा हो रही है, इसलिए हमने सोचा यहाँ से आगे पे चलते हैं। यहाँ से ना दो चार लड़के होते हुए आ रहे थे, तो हमने उनसे भी पूछा, उन्होंने बोला पानी तो है आगे पे, ज्यादा गहरा नहीं है, तो एक बार देख के आते हैं आगे पे, फिर उसके बाद अगर वहाँ पर सही लगेगा तो वहीं पर, वरना फिर नीचे पे जाना पड़ेगा हमको। एक बार पहले आगे पे चेक करके आते हैं, क्योंकि नीचे की लोकेशन तो मैंने लगभग आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दी है। वहाँ पर क्या आप लोगों ने व्लॉग वगैरह भी देख लिए होंगे कि वहाँ पर लोग नहा रहे वगैरह, वहाँ पर ना बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है। निकलते हैं यहाँ से ऊपर के लिए और फिर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। आ जाओ भाई वहाँ पर जा करके देख रहा हूँ उस वाली साइड पे। तो भाई एक बार तो मैं यहाँ पर पानी के अंदर से होकर के आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पर। पानी ने इतना क्लियर है ना यहाँ पर कि क्या बताऊँ भाई साहब, बहुत सही है। बस लोगों ने यहाँ पर थोड़े कुरकुरे के पैकेट वगैरह फेंक रखे हैं, उनको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। बाकी भाई पानी के अंदर ना ऐसा दिख रहा है जैसे HD वीडियो देख रहा हूँ भाई। आप लोगों को भी लेकर के चलता हूँ पानी के अंदर, एक नंबर पानी है भाई, क्लियर पानी और मछलियाँ तैर रही हैं भाई। मैं मतलब इतना है ना कि मैं अगर पानी के अंदर अपना कैमरा भी छोड़ दूँ ना तो भी आप लोगों को यहाँ पर साफ दिखाई देगा। तो चलो भाई अब मैं पानी के अंदर डाल रहा हूँ यहाँ पर कैमरे को। और पानी ना यहाँ पर ज़्यादा गहरा भी नहीं है, मतलब ये लगा लो आप कि मेरे कमर से थोड़ा नीचे ही है। ये देख लो आप, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ तक है मेरे पानी, ये आप लोग अंदाजे लगा सकते हो। भले यहाँ पर थोड़ा छोटा है, नीचे पर थोड़ा बड़ा था ना वो अलग चीज़ है, पर यहाँ पर भी वही सही है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर से दिखाता हूँ एक बार, ये चेक करना भाई। अब जाऊँगा भाई मैं पानी के अंदर जाने लगा हूँ मैं, और अब दिखाता हूँ भाई आप लोगों को। देखो होगा आपने मैं कितना बढ़िया तैरा यहाँ पर। अब आप लोगों को भी लेकर के चलता हूँ पानी के अंदर, और अब पानी के अंदर से दिखाता हूँ आप लोगों को। चलो भाई चलते हैं पानी के अंदर, फिर चेक कराता हूँ अंडर वाटर शॉट। कैमरा ना छूटे बस मेरे हाथ से। अल्लाह पानी के अंदर तो चल भाई चल चल आता, अबे आ रहा अब। ब्लॉग में डालोगे ना? हाँ पक्का। हाँ नाचो ब्लॉग का नाम आलोक सिंह रावत। आलोक
गाना बंद कर। अरे यार गाना बंद हो गया यार, गाना चला दो यार एक बार, चला दो इसके लिए भाई साहब। गन ब्लॉग ब्लॉग बना रहा भाई, एक बार ब्लॉग गाना गाना चला दो, गाना गाना। अबे यार भाई 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 साहब गाना सुन। अरे इसी में नाच जाओ, इसी में नाच जाओ। तो फाइनली भाई यहाँ पर हम पानी से होकर के तो आ गए। हमने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर लिया और लोग ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और इस टाइम पे ना भीड़ भी यहाँ पर ठीक ठाक हो गई। ये चेक करो भाई, तो जो सीला की चौकी की यहाँ पर पार्किंग वगैरह है ना, वो आप यहाँ मेरे पीछे पे चेक कर रहे होंगे। यहाँ पर आप लोगों को अपनी गाड़ी वगैरह रोक करके और फिर अंदर जाना होगा। मैंने बाकी भाई आप लोगों को यहाँ पर पानी वगैरह के शॉट वगैरह पूरे चेक करा दिए थे, अब बस यहाँ से निकलने की तैयारी है। बाकी भाई इस वाले ब्रिज से हम यहाँ पर क्रॉस करते हुए और आगे को गए थे, अब भाई इधर से वापस जा रहे हैं। स्कूटी हमने आगे पे लगा रखी है, अब यहाँ से भाई निकलते। हमने तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर लिया, मतलब अगर आप लोग भी यहाँ पर आते हो ना तो आप लोग भी यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय कर पाओगे और वहाँ पर कुछ फैमिलीज वगैरह भी आ रही हैं। बस ना आप लोग इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना कि थोड़ा साफ सफाई का, क्योंकि भाई यहाँ पर ना गंदा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग। अगर कोई आ रहा है यहाँ पर तो प्लीज़ अपने साथ ना जो भी कूड़ा वगैरह और उसको वापस लेकर के जाना। रास्ता वगैरह मैंने आप लोगों को दिखा दिया, यही यहाँ पर रास्ता रहने वाला है। इसी ब्रिज से होते हुए आप लोगों को उस साइड को जाना होगा। तब रास्ते का वैसे मैंने अंदाजा तो आप लोगों को दे ही दिया है, अगर आप लोगों को फिर भी कोई कंफ्यूजन वगैरह होता है तो इस लोकेशन को ना मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखा है, वहाँ पर से आप लोग चेक कर सकते हो और यहाँ पर तक पहुँच सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को ये जगह यहाँ पर अच्छी लगी हो तो मुझे एक बार नीचे कमेंट करके जरूर से बताना और जाते जाते ना इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लड़का मैं छोरा पहाड़ी, दिल से हूँ लिखता जो भी मैं गाता, बातें सच्ची बोलूँ मैं सारी। युग बारा की चलती है गाड़ी, बॉडी से